हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पीएचडी फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर आपके पेंटिंग वाले सारे इफेक्ट आएंगे, जिसको बनाना इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप फोटोशॉप में मैनुअली बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन मैं जो आप लोगों को आज पीएचडी फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ, इस पीएचडी फाइल की मदद से आप सिंगल क्लिक के साथ अपनी फोटो के अंदर डिजाइन डाल सकते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। इस पीएचडी फाइल के अंदर कैसे आपको काम करना है, कैसे अपनी फाइल सेव करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाते के टाइम पे आपसे ऑल का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाले फ्यूचर के मेरे जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो में मिलेगा ही डाउनलोड करने के लिए, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी किसी भी टाइप की अगर सॉफ्टवेयर बाय करने हैं बहुत ही चीप प्राइस में, जैसे कि वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या तो फिर फोटो एल्बम से रिलेटेड उसकी पीएचडी फाइल या तो कोई उसके सॉफ्टवेयर या कोई अदर टाइप का सॉफ्टवेयर, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, आप सिर्फ मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने एक विनार की फाइल रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही विनार की फाइल आपको मेरे यूए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करनी है, जो इसका साइज है वो 22.1 MB की फाइल है, यानी 22.1 MB की फाइल है। बहुत ही ईजी डाउनलोड हो जाएगा, आप मोबाइल से भी इसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में मूव कर सकते हैं। जैसे आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये बार डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको करना है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू। एक्सट्रैक्ट टू जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा पैनल खुल जाता है। इस पैनल में भी ओके दिया हुआ है, आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया, यहाँ पे मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो आपके पास ये डैशबोर्ड है विंडार का, आप इसको कर देंगे बंद। बंद करने के बाद जो आपका फोल्डर आया, मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस फोल्डर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडार तो वो है जो कि आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बारी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फाइल आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाली फाइल है सेकंड नंबर की, ये पीएचडी फाइल है, इसी के साथ हम लोगों को काम करना है। ये जो पहली फाइल है ये मेरी वेबसाइट का URL है। अगर आप अभी तक मेरी वेबसाइट पर नहीं पहुंचे हैं तो इस वाले लिंक के ऊपर डबल क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली एक बार जरूर जाएं इस वेबसाइट के अंदर और विजिट जरूर करें। तो ये वाली पीएचडी फाइल आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए फोटोशॉप। तो फोटोशॉप कौन सा वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। फोटोशॉप CS4 से लेकर CC 2020 तक आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो अभी CC 2021 भी आ चुका है, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, अभी अमेरिका, लंदन और कनाडा में लॉन्च हो चुका है। लेकिन अगर आपको चाहिए CC 2021 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में जो इस वक्त नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में मैं आपको लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप का प्रोवाइड करूंगा। तो मैं इस पीएचडी को यूज़ करने जा रहा हूँ फोटोशॉप CS6 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप CS6 को ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। तो ये जो मेरी पीएचडी फाइल है, इस पीएचडी फाइल को मैं मूव करके लेके जा रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर, जैसे कि नॉर्मली आप फोटो को लेके जाते होंगे। इस एरिया पे मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हम लोग की पीएचडी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। पीएचडी अभी हम लोगों को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही यूनिक है ये, मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आपकी पीएचडी ओपन हो जाएगी तो आपको जाना है लेयर की तरफ। यहाँ पे आप लेयर देख सकते हैं, लेयर के अंदर काफ़ी सारे आपको लेयर्स दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे ये वाली लेयर है जिस पे लिखा हुआ है प्लेस योर फोटो। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो को प्लेस करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है, यहाँ पे एक मास्क है जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया, और यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक लेयर है। तो हम लोग को स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर के ऊपर ही काम करना है, ठीक है गाइस। तो अभी क्या करना है, हम लोग के पास होनी चाहिए एक फोटो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोटो डालने के लिए जो यहाँ पे जो स्मार्ट वाली जो लेयर की ऑब्जेक्ट है, इस वाले के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे मेरा माउस है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये व्हाइट कलर की एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप अपनी फोटो को ओपन करेंगे। ओपन करना सभी को पता है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल ओ दबा सकते हो या तो फिर फाइल पे जाके आप ओपन दबा सकते हो। यहाँ पे मैंने फाइल पे जाके ओपन दबाया। तो मैं अपनी डेमो की फोटो के साथ मैं वर्क करूँगा, आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट की फोटो को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स है, तो मैं यहाँ पर कोई भी डेमो की एक पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर ले ली है, मेरी पिक्चर अभी ओपन हो रही है, ओपन हो चुकी है। अब मैं कलर करेक्शन करूँगा या जो भी करना चाहता हूँ वो कर लूँगा। करने के बाद मुझे ये वाली फोटो को करना होगा कॉपी। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए दबा दिया, कंट्रोल ए दबाने से सारी फोटो सिलेक्ट हो जाती है, ये मेरी फोटो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी दबा दिया, कंट्रोल प्लस सी दबाने से
फोटो कॉपी हो जाती है, तो मेरी फोटो कॉपी हो चुकी है। उसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस W दबा रहा हूँ जिससे कि मेरी फ़ोटो वो बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने फोटो सेलेक्ट भी कर ली, कॉपी भी कर ली और बंद भी कर ली। अब हम लोग पास ये वाला वाइट वाला पेज है जो कि अभी हम लोगों ने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके खोला था। इसी पेज के ऊपर अभी हम लोग अपनी फोटो को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड में जो दबाना है आपको बटन कंट्रोल प्लस V दबा देना है। कंट्रोल प्लस V दबाने के बाद आपकी फोटो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फोटो बहुत ज़्यादा बड़ी आई है क्योंकि मैंने PhD का कोई साइज़ नहीं किया था। जब आप इस PhD को ओपन करेंगे तो आप साइज़ कर लेंगे, साइज़ करने के बाद ही अपनी फोटो बिल्ड करेंगे। मैंने साइज़ नहीं किया क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी फोटो पेस्ट करी। अगर आपकी फोटो भी छोटी बड़ी आ रही है तो Ctrl+T दबा के छोटा बड़ा करेंगे आप। तो यहाँ पे मैं Ctrl+T दबाया मैंने अपने कीबोर्ड से। Ctrl+T दबाने के बाद Shift को मैंने दबा लिया है और अपनी फाइल को मैं छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपनी फाइल को छोटा करके अकॉर्डिंग टू फ्रेम मैं यहाँ पे जाके सेट कर रहा हूँ। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे सेट करना। ये सेट हो गया और मैंने एंटर दबा दिया क्योंकि मैंने Ctrl+T दबाया हुआ था। Ctrl+T से बाहर आने के लिए एंटर दबाना पड़ता है, तो यह मैंने एंटर दबा दिया। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस सेव करना है, Ctrl+S दबाना है अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl+S दबा दिया है और यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव होने के बाद यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट जनरेट करती है, अपडेट करती है। तो ये जैसे एक फिनिश होता है तो हम लोग का रिजल्ट हम लोग के सामने आ जाएगा जो कि बहुत यूनिक होगा। हम लोग का स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब जो ये वाली इमेज थी आपको यहाँ से बंद कर देना है क्योंकि ओरिजिनल इमेज हम लोग के पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट यहाँ पर सामने आ चुका है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया टाइप का रिजल्ट है। अगर आप इस टाइप का प्रिंटआउट निकाल के अगर आपने वॉल वगैरह में डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही यूनिक टाइप का हो जाएगा। आप अपने कस्टमर की फ़ोटो, पेयर फोटो या जैसे कि प्री वेडिंग की फ़ोटो या फिर कपल फोटो जो होती है उसको ऐसे बना के आप दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर आपको चेंजेस वगैरह का करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप आते हो इस साइड में लेयर की तरफ में तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के ब्रशेस हैं। यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना चाहो तो डिसेबल इनेबल करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। मान लेते हैं कि कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा लग रही है हटानी है तो यहाँ से आप वो हटा सकते हो डिसेबल और इनेबल करके। लेकिन मुझे सारी चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो लेयर के अंदर ब्राइटनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है तो इस वाले लेयर को डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने से आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। इस ऑप्शन में आप अपने ब्राइटनेस को घटा और बढ़ा सकते। जैसे कि अभी मेरा 6 नंबर है तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ तो आप इमेज की तरफ देखेंगे, इमेज मेरी घट रही है और बढ़ रही है। ठीक है गाइस, तो ये इतना सा था लेकिन बहुत अमेजिंग है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, 6 नंबर पे वापस से कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, इतना कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इतना आपको समझ आ गया है। उसके बाद जो लेयर में था तो ये हम लोग का इमेज था, ये बिल्कुल ओके है। कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप लेवल वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर मैं बैकग्राउंड यहाँ से हटाता हूँ तो बैकग्राउंड आप देखेंगे कि वाइट हो जाता है आपका, यहाँ पर देख सकते हो वाइट हो जाता है। अगर आप इसी इमेज को, पूरे इमेज को इफेक्ट के साथ मूव करना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड हटा दो आप। यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो भी हटा दो आप। हटाने के बाद आप देखो कि आपकी जो इमेज है ये PNG टाइप से आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये जितनी भी इमेज इनेबल है इस सारी इमेज को सिलेक्ट कर लो। आप ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से Ctrl+E दबा दो। Ctrl+E दबाने के बाद ये सारी इमेज जो है आपकी मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद आप इसको कहीं पे मूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने मर्ज कर ली है। अब मैं अगर इसको कहीं पे मूव करना चाहूँ तो इसको कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूँ, किसी भी टाइप के बैकग्राउंड में। अगर मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, कवर बना रहा हूँ, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहा हूँ, कोई सब्लिमेशन का डिज़ाइन बना रहा हूँ तो आप इसको वहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी ये और बहुत ही अच्छी है जो कि मुझे खुद पर्सनली पसंद है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। मैंने पहले भी बहुत सारे दिए और आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मैं देने वाला हूँ। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने का मतलब ये होता है कि मेरे इन फ्यूचर की वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक बिल्कुल सही टाइम तक पहुंच पाएगा और आप मेरी वीडियो को फिर मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप, इंस्टाग्राम का पेज और टेलीग्राम का ग्रुप और फेसबुक का पेज आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको मेरी वेबसाइट की नोटिफिकेशन भी मिलेगी और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिलती जाएगी। गाइस मेरे पास एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम रोज एडिटर के नाम से है। उस चैनल का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं सेकंड वाले पे और उस चैनल के भी वीडियो आप देखें, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालता हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।